हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दो ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसको यूज करके आप सिंपल दो सेकंड में कितने भी बड़ा से बड़ा नंबर हो उसको क्विक स्क्वायर यानी कि फटाफट स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके नीचे जो रेड कलर का बेल का आइकन है उसे जरूर प्रेस करें। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट ट्रिक है, जैसे कोई भी नंबर ले लिए 75, इसका क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, 75 × 75। अब हम लोग को क्या करना है, जो वंस के प्लेस का नंबर है लास्ट में जो 5 है, 5 को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सीधा लिख देंगे 25। और नेक्स्ट है हमारा 7, 7 को हमको 7 से नहीं मल्टीप्लाई करना है, 7 को हम लोग उसके सक्सेसर यानी 8, 7 का सक्सेसर क्या होगा 8, हमको 7 को क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है, 7 × 8 = 56। ये आ गया हमारा आंसर। लगे ना सिर्फ 2 सेकंड। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे एक नंबर ले लिया 105, इसका स्क्वायर करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 105 × 105। तो सिंपल 5 × 5 = 25। और 10 को क्या करेंगे, इसका सक्सेसर क्या होगा 10 का, 11, तो हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना होगा, 110। बस आप 2 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सी अनदर एग्जांपल, 995 स्क्वायर इसका करना है, तो ये हो जाएगा 995 × 995। सिंपल 5 × 5 = 25। और 99 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 99 का सक्सेसर क्या होगा, 100, तो इसको 100 से कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 99 100। तो देखा आपने, बस कितना भी बड़ा नंबर हो सिर्फ 2 सेकंड में आप उसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इस ट्रिक में हमेशा एक बात ये याद रखिएगा कि नंबर एंडिंग विद 5 होना चाहिए। जो नंबर का यूनिट प्लेस पे 5 होगा उसको आप इस ट्रिक से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो दूसरे ट्रिक की तरफ चलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं सेकेंड ट्रिक। तो सेकेंड ट्रिक में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि नंबर एंडिंग विद 5 होना चाहिए, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे नंबर लेते हैं 43, इसका स्क्वायर करना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो ये नंबर है इसका निकाल लेंगे स्क्वायर 9। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अगर यूनिट प्लेस का नंबर है स्क्वायर करने पे अगर 1 डिजिट में आए तो इसके पहले 0 लगा लेंगे, नहीं तो फिर ये आंसर में दिक्कत करेगा आगे। फिर इसका हम लोग स्क्वायर निकाल लेते हैं 16। ये एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 × 2। 4 × 3 = 12 और 2 × 4 = 12 और 12 × 2 = 24। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हम लोग करते हैं इस नंबर को एज इट इज नोट कर देंगे, 1609। और ये जो नंबर आया है इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, ऐड करते वक्त आपको वंस के प्लेस को छोड़ के नंबर को लिखना है, 9, 4, 8 और 1। ये आ गया हमारा आंसर। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, 87। इसमें भी करते हैं फर्स्ट स्टेप में दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64। अब क्या करना है, 8 × 7 × 2, 8 × 7 = 56, 56 × 2 = 112। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, ये दोनों नंबर को एज इट इज नोट कर देंगे, 6, 4, 4, 9। और ये नंबर को इसमें ऐड कर देंगे फर्स्ट डिजिट छोड़ के, 2, 1 एंड 1, 9
सिक्स फाइव एंड सेवन, ये आ गया हमारा आंसर. वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल. 90, 94, फोर फोर जा 16, 9 9 जा 81. फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में हमको करना है 9 × 4 × 2. 9 4 जा 36, 36 2 जा 72. अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेप में. थर्ड स्टेप में इन दोनों नंबर को नोट कर देना है 8 1 1 6, और उसके बाद इसको ऐड कर देना है 7 2. वंस का यूनिट छोड़ के 6 3 8 एंड 8, ये आ गया हमारा आंसर. तो इस ट्रिक को यूज करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इजिली निकाल सकते हैं. और फर्स्ट ट्रिक को यूज करके आप जिस नंबर का एंडिंग 5 से हो रहा हो उस नंबर का ट्रिक आप इजिली सॉल्व आप उसको कर सकते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय.